तो सवाल नंबर एक, मशीन खरीदी कितने में? 48,200 में। फिर आपने उस पर खर्चा कितना किया है? स्थापना व्यय किया है 1800 रुपए। कब खरीदारी देने की है आपकी? 1 अप्रैल 2008 को खरीदी। और इसकी लाइफ कितनी दे रखी है? 10 साल तक लाइफ दे रखी है। ये लाइफ है, ये स्पेयर वैल्यू है, इसमें केवल स्थायी की स्थिति में ही आती है। इसमें अगर कर्मांगत है तो केवल आपकी 10% दर आएगी आपको, और बाकी का ये मूल्य दे रखे स्पेयर वैल्यू एस्टिमेट लाइफ ये सब स्थायी की स्थिति के लिए। तो इसने कहा है कि मूल्य का खाता बनाना है, यानी प्लांट में खाता बनाना है और एक डेफ अकाउंट बनाना है। पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि कितना होता है मूल्य। तो मूल्य सूत्र क्या ज्ञात करने का? कॉस्ट ऑफ मशीन जो भी है माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ एस्टिमेट लाइफ लिख सका। अब देखो प्लांट मशीन मतलब मशीन की लागत कितनी है? 48,200 दिए रही और 1800 रुपए और लग गए यहाँ पर, कितना हो गए? 50,000। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? अवशेष मूल्य 2,000 रुपए बटा लाइफ कितनी है? 10 साल। तो ये हो गया आपके 48,000 बटा 10, ये हो गया आपके 4,800। फिक्स है, स्थायी की स्थिति है, हर बार 4,800 ही आएंगे। पहले इधर सबसे पहले मशीन खरीदी क्या आएगा यहाँ पर? टू बेल्ट। कितना मशीन कितने खरीदी? 48,200 में खरीदी है मशीन और ऊपर खर्चा लग गया आपके 1800 का, तो कितना हो गया आपके? 50,000। अब हर साल आपको क्या करना है? 4,800 रुपए कम करने, और वो पैसे कहाँ जाएंगे? आपके मूल्यह्रास खाते में। यह आ जाएगा आपके बाई डेप्रिसिएशन 4,800, यह आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, ये हो जाएगा आप कितना? 45,200। ये भी पिछले साल आया था आपके ईयरली एग्जाम आया था, वार्षिक एग्जाम है, वार्षिक में आया था ये क्वेश्चन। ये हो गया आपके 50,000, बोलो मुझे 50,000, बोलो भला भला मिल गए, ये 50 और ये भी 50। ये सीडी है, हो जाएगा यहाँ पर आपके बीडी, यहाँ लेंगे टू बैलेंस वोट तो करके कितना हो गया? 45,200। फिर और वापस वही कितना? 4,800। फिर दोनों अंतर निकाल दो तो पीछे बचेगा वो आ जाएगा बैलेंस सीडी, ये 45,200 ये कितना करो? 45,200 तो कितना कम पड़ रहा है यहाँ पर? कितना कम है? 40,400 हो गए पूरे 45,200। ऐसे आप ये इधर आएगा फिर से टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पर लगाना है बाई डेप्रिसिएशन वही 4,800 और वही पीछे बैलेंस बचाना है बैलेंस सीडी, ऐसा लिखना है क्योंकि मशीन तो बेच ही रहे तो वही बैलेंस सीडी बीडी वही मूल्यह्रास वापस सीडी वापस बीडी इधर वापस मूल्यह्रास ऐसे कम करना है। और ये खाता कैसे बनाएंगे? ये बाई में देखा आएगा आपके टू में, ये आएगा टू प्लांट एंड मशीन सी, तो इधर लिख देंगे हम बाई डेप्रिसिएशन। जितना साल गए उतना साल का बनाना है, 5 साल गए तो 5 बार मूल्यह्रास लगाएंगे, 5 बार बैलेंस शीट और बीडी निकालेंगे सिंपल। और फिर यहाँ पर देखो जैसे मान लो यहाँ 4,800 आ रहे हैं तो यहाँ भी कितना आएंगे आपके? 4,800 और ये आ जाएगा काफ जाएगा आपके पी एंड एल में अकाउंट क्लोज। फिर यहाँ पर बाई में है तो ये क्या आएगा? टू में प्लांट एंड मशीन भी 4,800 और वापस इधर बाई पी एंड एल इधर कितना आ जाएगा? 4,800। जितना गए उतना आपको बनाना, एक तो ना सिंपल जिसमें मशीन बेचते नहीं केवल मशीन को खरीदते हैं, तो इसमें आप ज्यादा समस्या नहीं करते, बस आपको यहाँ बैलेंस बीट लिखो या मिलिया सीडी वापस बैलेंस बीडी कहता है आप किस तरह की पद्धति, इसमें हर बार यहाँ 4,800 ही आएंगे। एक क्रमांगत है, क्रमांगत तो साफ खाते दूसरे नहीं मिले कोई चेंज नहीं खाता। अब यहाँ भी मशीन नहीं बेच रहे, यहाँ भी सिंपल कहा है मशीन 1 लाख की 10% क्या लगाना है आपको? मूल्यह्रास लगाना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? टू बैंक या टू कैश भी लिख सकते हो, जितना हम खरीदी कितने खरीदी हमें? 1 लाख में। और यहाँ क्या लगाएंगे हम? डेप्रिसिएशन वही सेम बैंक लिखो कैश लिखो जो हमने यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, फर्क केवल यहाँ आएगा बस इस राशि में फर्क आएगा, बाकी खाते बनाने में कोई फर्क नहीं, कर्मांगत दोष है कोई भी नहीं। मतलब कि ये हो जाएगा आपके कितना है? 1,10,000 रुपए कितना होता है? 10,000। वही यहाँ पर वापस बाई बैलेंस सीडी कितना हो गया? 90,000 हो गए दोनों बराबर। फिर ये सीडी है यहाँ आएगा आपके टू बैलेंस बीडी कितना हो गया आपके? 90,000। और यहाँ लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन और कर्मांगत सीडी है मतलब घटते हुए मूल्य पर लगता है आपके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब बैलेंस मेथड है बैलेंस पर लगता है, मतलब कि अब 90,000 पर लगेगा स्टूडेंट कितना है? 90,000 पर 9,000, बस यही फर्क है, यहाँ फिक्स रहता है मूल्य और यहाँ ये मूल्य चेंज होता है। और पीछे आएगा आपके बाई बैलेंस सीडी कितना? 81, फिर 81 में लगेगा 8,100,
फिर 7,290, फिर 6,500 ऐसे कम होता रहेगा। और फिर यहाँ आएगा आपके क्या, ये बाई में देख जाएगा आपके टू प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया है 10,000। यहाँ हम कितना कर देंगे 10,000 बाई पी एंडल, बाकी सब सेम है, बस ये वाली राशि और यहाँ अंतर निकालेंगे थोड़ा चेंज माइनस करना है। ये वाला राशि बार बार धीरे धीरे कम होता रहेगा और यहाँ पर ये राशि फिक्स रहती है 4,800 चलती रहती है, ये तो स्थाई फिक्स मेथड है। और ये आपके बैलेंस मेथड है, मतलब क्रमांक धीरे धीरे घटता रहता है, घटते होने पर लगाना। फिर वापस वही टू प्लांट एंड मशीनरी, इस बार कितना है यहाँ पर 9,000, यहाँ पर फिक्स है 4,000 लगेगा, यहाँ पर आपके 9,000 और यहाँ जाएगा आपके बाई पी एंडल कितना हो गया है 9,000, ऐसे लिखना खाता बन खाता हाथ। अब ये है इसमें मशीन खरीदते भी है दो दो बार और साथ में बेचते भी है, तो सबसे पहले लोग आपने 1/4 को मशीन खरीदी, जैसे तारीख चाहो इसमें भी तारीख लगा दो, आप पास में लिख दो या तारीख के लिए कॉलम बना लो, जगह खूब होती तारीख के लिए कॉलम बना लो, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर एल एफ लेजर है पूरी लेजर, ये भी लेजर बुक है, ये भी लेजर बुक ही है, खाता भाई कह सकते हो। अब देखो तारीख इसमें अगर मशीन बेचते हैं, अगर मशीन अगर हम कभी बेच नहीं रहे हैं तारीख का ध्यान नहीं दे तो भी चलेगा, लेकिन मशीन अगर बेच रहे हैं तो तारीख का भी आपको ध्यान देना। जैसे सबसे पहले मशीन खरीदी, कुछ मशीनें खरीदी तो कुछ में क्या आता है आपके सभी मशीन, मतलब जितनी खरीद सब आएगी, इसने कहा कुछ मशीन खरीदी 50,000, लेकिन लास्ट में इसने कह दिया कि जब हमने 1/4 को जो मशीन खरीदी थी उसमें से 10,000 की बेच दी, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें दो तरह की मशीन है, एक 40 की है और एक 10 की है, वहां तो यही लिखा 50,000, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है कि 30 जून को हमने एक मशीन बेची, कौन सी बेची है, जो 1 अप्रैल को खरीदी थी उसमें 10,000 की, उसमें से 10 की बेची हमने, तो मतलब इसी में से मतलब के दो भाग हो जाएंगे आपके 40,000 और 10,000। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ सबसे पहले टू बैंक, हमने मशीन खरीदी कब खरीदी, तारीख तो लिखी है, तब कितनी तारीख है 1/4/2004 को, यहाँ लिखेंगे टू बैंक मशीन खरीदी कितने में, एक तो है 40 की और एक हो जाएगी आपके 10 की, ये हो जाएगा आपके 50,000। आप चाहो तो लगातार अलग अलग बनाओ या लास्ट में निकाल दो अलग अलग तो भी चलेगा, जैसे यहाँ कितना है एक 40 की है, एक कितनी है 10 की है, और टोटल कितना हो गया 50,000। यहाँ क्या लगाएंगे हम, मूल्यह्रास लगाएंगे, कौन सा क्रमांक है, क्रमांक कितना % है, क्रमांक मूल्यह्रास लगाना है 10%, वो भी है क्रमांगत बैलेंस मेथड, जो भी बैलेंस में लगेगा आपको। अब देखो आपके डेफिसिट कितना है 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, साथ में लगा दो एक साथ, यह आ जाएगा बाई बैलेंस सीधी कितना है, पीछे कितना बन गया 45,000, ये खाता बंद। फिर वापस आपके 1/4/2005 या लिख सकते हो 21 मार्च 31/3 लिख सकते हो, वो सन कौन सा 2005 दिसंबर है, जनवरी एक साथ ही यहाँ पे, यहाँ भी साथ ही हाँ, तो जून को बंद करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपके कितना 1/6/1/7 और यहाँ है आपके 30/6 को बंद करेंगे, ये हो जाएगा आपके 1/7/2004 ऐसे ही, 1/7 ही है और 30 जून ही है, तारीख चेंज नहीं, 1 अप्रैल नहीं। अब यहाँ पर क्या जाएगा आपके टू बैलेंस बीडी कितना 45,000। अब ये सन 2005 आ गया, ये 2004 था यहाँ पर, यहाँ कितना बन गया आपके 2005 बन गया, देखो 2005 में हमने मशीन और खरीदी है, तो क्या लिखेंगे हम, और लिखेंगे टू बैंक, खरीदते हैं तो टू बैंक और पीछे से यहाँ लाते हैं तो बैलेंस सीडी का क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा। अब हमने मशीन और खरीदी, कितने खरीदी मशीन हमने 10,000। अब देखो इसमें से हमने मशीन बेचनी है, इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे अलग अलग रखेंगे, क्यों रखेंगे अलग अलग, क्योंकि इसमें टाइम अलग है और इसमें टाइम अलग है, समय अलग है, क्योंकि ये हमने पहले खरीदी थी और ये हमने बाद में खरीदी। अगर आपको कोई मशीन बेचनी नहीं है तो आप साथ में ले सकते दोनों एक साथ, ये तो अलग करो, यह आएगा आपके बाई डेप्रिसिएशन, इसका अलग लगाओ, उसका अलग लगाओ, 45,000 पर भी लगाना है और 10,000 पर भी लगाना है। ये कब खरीदी हमने, ये कब खरीदी, एक साथ में खरीदी है, एक जनवरी को खरीदी, ये है 1/1 को
और फिर आपके 1 जुलाई को दे दी हमने यहाँ पर, यहाँ तो एक ही है खाते 31 दिसंबर को ही बंद होते हैं, 31/12 को या वापस क्या आ जाएगा आपके 1/1, लेकिन ये कब दे दी हमने 1/7 को, बस ये तारीख। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक पूरा मूल्य कितना है आपके 10%, और ये मशीन देखो हमने कब खरीदी 1/7 को, मतलब 6 महीने बाद खरीदी, और खाते बंद होते हैं आपके 31 दिसंबर को बंद होते हैं, 31/12/2005। और देखो यहाँ कितना लगेगा आपके 10% लगेगा, लेकिन कितना महीने का, आधे साल का लगेगा, या 6/12 कह दो या 10 साल कह दो, एक ही बात है। यहाँ से पूरा लगेगा 4,500, और यहाँ 10,000 रुपये कितना होता है 1,000 रुपये, 1,000 पूरे साल का, तो आधा का क्या हो जाएगा आपके 500 रुपये। अब बताओ ये कितने होते हैं, ये तो होते हैं आपके 55,000, ये भी कितना कर दो आप 55,000, 55 में से 5 गए 50,000, ये आ गया आपके बाई बैलेंस सीडी, इसमें देखो पहले में कितने की है 45 में गए 4,500, पीछे कितने बचे 45 में गए 4,500 40,500, और दूसरी मशीन अस्की है जो 500 क्या लगे मूल्य बच गया, मतलब बच गया आपके 9,500, ये हो गए दोनों मिलाकर 50,000। अब यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, पहली मशीन तो है हमारे पास 40,500 की, और दूसरी मशीन है हमारे पास 9,500 की, कितना हो गया 50,000। अब यहाँ लिखेंगे वापस वही बाई डेप्रिसिएशन, अभी सन चल रहा है आपके 2006, 1/1/2006, और यह आएगा 31/12/2006, क्योंकि दिसंबर उसी साल आता है और जनवरी भी उसी साल आता है, साल चेंज नहीं होगा। अब मूल्य इस पर 10% और इस पर भी 40,500 पर भी लगाना है आपको 10%, कितना होता है 4,050, और इस पर भी लगाना है, इस पर 9,500 पर भी लगाना है 10%, कितना होता है 950, और यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ये कितना हो गया आपके 50,000, ये भी कितना हो गया 50 में से गए 5,000, कितने के बजे आपके 45,000, और यहाँ क्या आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, ये थी 40,500 की, 4,50 मूल्य लग गया 45 में से गए 4,050, कितने बजे आपके 36,450, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इस मशीन में मूल्य आज ये लगा और इस पर ये लगा, दोनों अलग अलग घटाओ, इसको ये घटाया जाए 36,50, इसमें से घटाया 5,950, तो पीछे कितना बचा आपके 8,550, यही बचा पीछे 9,000 घटाएंगे माइनस कर देंगे, 1,000 घटाओ 8,550, लेकिन 50 कम घटाने तो यहाँ जोड़ देंगे 8,550। अब ये बैलेंस यहाँ हटाएगा, जो हमने यहाँ किया था वही यहाँ करना है, आगे अब 1/1/2007, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी, कितना है 36,450 प्लस 8,550। अब इस साल मशीन बेच रहे हैं, तो मशीन जब बेचे तो पहले हिसाब किसका, मशीन बेचने का हिसाब करना पहले, तो देखो यहाँ लिखेंगे हम बाई क्या नाम है तारीख के बारे में, तो 31 कौन सी 30/6 को हम मशीन बेच रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं, तो देखो मशीन बेचेंगे तीन चीज आएंगी, एक तो बेचने का मूल्य, दूसरा मूल्यह्रास, तीसरा आपके क्या नाम है लाभ या हानि, उसके बेचने से क्या होता है लाभ या हानि होती है वो ज्ञात करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसके दो भाग है 50,000, यही 50,000 अब क्या बन गया आपके 36,450, जबकि वो कितने हैं पहले 50 थे, लेकिन आज से 3 साल तक मूल्यह्रास लगाते लगाते मूल्य कितना बच गया 36,450। यहाँ के टुकड़े करते हैं 4:1 में, तो होता है 40,000 और 10,000, तो यहाँ भी क्या करेंगे इसका टुकड़ा करेंगे 4:1 में बांट दें, अलग अलग कर दें, क्योंकि इसमें दो मशीन शामिल है, या तो ऐसा करो पूरे साल को लगातार अलग अलग लेते चलो दोनों को, या फिर लास्ट में जब आए यहाँ 50,000 में 40,000 है 4:1, यहाँ भी क्या कर दो 4:1 में बांट दो, मतलब 36,450 × 4/5 और 36,450 × 1/5 ऐसे भाग अलग अलग कर सकेंगे, दोनों अलग अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा, कैलकुलेटर है फटाफट हो जाएगा। दोनों अलग अलग दो भाग कर देंगे, जैसे यहाँ
50% चार अनुपात है, तो यहाँ जैसे दोनों अलग अलग कर दो टुकड़ों, ताकि पहली मशीन और दूसरी मशीन अलग अलग हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर लगातार करो, पहले से अलग अलग करते रहो, एक दो तीन मशीन है, एक दो तीन मशीन ऐसे चलती रहेगी, तो आपको तीन बार, आपको तीन बार अलग मिले क्या कर, या फिर लास्ट में कर लो एक साथ चार अनुपात एक। 36,450 इंटू तो चार भाजक पांच, ये हो गया 29,160 रुपए। इसमें एक मशीन तो 29,160 की है और दूसरी मशीन है आपके -36,450, ये हो गया 7,290। अगर आप सवाल को स्टार्ट से ही कहां से यहां से अलग अलग लाते 40-10 या 40 का लगाते हैं तो होता 4,000, एक का लगा 10 का कितना होता 1,000, ऐसे लगातार अलग लाते हैं तो आपका मूल्य ये बचता पीछे, यानी बार बार अलग अलग करें। इसके अच्छा यही है कि 50 का मूल्य 4 अनुपात 1 में यहाँ बटा हुआ है, तो यहाँ भी 36 को 4 अनुपात 1 में बांट दो, क्योंकि मशीन अंदर कुछ दो मशीन है, एक 10 की उसके अंदर से बेचनी है, तो यहाँ अनुपात ये, यहाँ भी ये अनुपात होगा। अब हमें केवल इसका हिसाब करना है, इसको क्या करना है आपको, तीन चीजें करनी है, एक तो लगाना है आपको मूल्यह्रास, एक आपने उसको कितने में बेचा, केस लिख के यहाँ लिखेंगे सेल, कितने में सेल किया, और तीसरा है आपके इससे बेचने से हानि हुई या लाभ, लाभ हो तो इधर और हानि हुई तो इधर, अगर लॉस हुआ है तो इधर आएगा और प्रॉफिट हुआ है तो इधर आ जाएगा। अब कैसे देखो, मशीन हमारे पास आई है 7,290 की, हमने ज्ञात किया 1/5, क्योंकि 50 में से 1/5 ये है तो इसका ये हो गया आपके। अब इस मशीन पर लगाएंगे मूल्यह्रास, कितना मूल्यह्रास है 10%। देखो मशीन की लागत कितनी बताओ, पहले लिखेंगे लागत, लागत तो है 7,290 की, इसमें से लेस करेंगे मूल्यह्रास कितना 10% कितना होता है 729। लेकिन देखो ये तो पूरा साल का है, लेकिन देखो यार एक एक कब बेचे तारीख का ध्यान देना है, एक एक है या 36 कितने महीने, कितने महीने अंदर है, 6 महीने का अंदर है, तो 6 महीने का आधा आधा कितना होता है 364.5 घटा लो तो फिर जब बचेगा आपके 6,925.5 घटाए थे। अब मशीन आपके 6 महीने बाद, मशीन देखो पहले थी मशीन आपके साल के स्टार्ट में 790 की, 6 महीने का मूल्य लगाया था, मशीन कितने की रह गई आपके 6,925 की, इसमें से हम लेस कर देंगे कितने में बेचा हमने, कितने में सेल किया, आज 6 की मशीन है और 5 में बेच दिया तो हमें क्या हो गया है लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया 1,925.50 का लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखो मूल्य कितना लगा 364.50, कितने में बेची 5,000 में, कितना घाटा हुआ 1,925.50 का, इतनी चीज लिखनी है आपको। 6 महीने का मूल्यह्रास मतलब यहां पर 7,290 इंटू कितना 10% इंटू आधा कर लो आ जाएगा कितने बेची, और इस ये संख्या और इन तीनों की जोड़ एक ही होनी चाहिए, तो ये मशीन 7,290 से दोनों मूल्य घटा देंगे पीछे, यही मूल्य बचेगा, ये जो बैलेंस अंतर है वो वाला, तो ये आ जाएगा आपके लॉस 1,925.5। मैंने किसका हिसाब किया, इसका हिसाब कर दिया मैंने, अक्सर इन दोनों हिसाब आपके इसका और इसका हिसाब यहां लिखेंगे हम एक साथ, लो बदलो को कितना होता है आप 29,160 और दोनों एक साथ जोड़कर लिख सकते हो 29,160 बचा है तो पीछे और एक बचा है 8,500। अब मशीन बेच नहीं रहे हम, मशीन नहीं बेच रहे हैं तो बटन निकाल दिया प्लस हो गया 7 कितना 8,550। अब आगे मशीन नहीं बेच रहे हैं तो दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे वो होता है 37,710 रुपये होते हैं, ये मशीन का मूल्य और ये मशीन का मूल्य, और ये मशीन चली गई आपके इधर पूरा हिसाब हो गया है, ये मशीन हमने बेच दी है तो वहां पूरा हिसाब हो गया। अब पीछे दो मशीनें बची है हमारे पास, इस पर क्या लगाएंगे हम मूल्यह्रास लगाएंगे इसका 37,710 का कितना परसेंट 10% कितना होता है 3,771 और ये आएगा बाई बैलेंस सीडी, पीछे बैलेंस कितना बचा आपके घटाओ इसमें से माइनस कर देंगे 3,771 केवल इसमें से ही, क्योंकि इसके साथ में ऊपर हो गया, अब यही हिसाब बचा पीछे, तो ये बचा है आपके 33,939। अब एक एक 2008 को एक मशीन हमने और खरीदी
16,000 में 16,000 ने मशीन और खरीदी। अब ये मशीन जब यहाँ आता है बैलेंस, यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीटी कितने का? 33,939। और एक मशीन हमने और खरीद ली कितने में? 16,061 में। अब यहाँ क्या लगाएंगे? सबसे पहले लास्ट साल है बाय डेप्रिसिएशन कितना हमें पता है। अब मशीन जब नहीं बेचनी हो तो मशीनों को साथ में ले सकते हैं। तो पूरा कितना होता है? 50 का होता है 5,000। अब पीछे बच गया आपके बैलेंस सीटी कितना बच गया? 45,000। तो आप सवाल देगा पांचवा क्वेश्चन, इसमें है आपके 2,50,000 में ट्रक खरीदा हूँ। कितना खरीदा है? 2,50,000। जिसमें तो बॉयलर कितना शामिल है आपके? बॉयलर 50,000 के अंदर शामिल है मिक्स। और इसको हमने 30/6 को 9,400 हम भेज दिया। कब बेचा था? खरीदा था एक साल को, बेचा कब है? 30/6 को, और 2010 में बेचा है, 4 साल बाद बेचा है। तो हमें 4 साल के क्या बनाने? खाद्य बनाने। फर्स्ट बार खरीदा क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैंक टू केस कुछ भी लिख दो। कितना है? 2,50,000। इसके अंदर 2,00,000 की तो है आपके मशीन, और इसके अंदर ही शामिल 2,50,000 के अंदर ही 50 का बॉयलर है और 2,00,000 टोटल कितना हो गया आपके? 2,50,000। यह आएगा आपके भाई पीएन क्या नाम है मूल्यांक लगाएंगे कितना? 20% के हिसाब से मूल्यांक लगाएंगे। जब मशीन एक ही है इसलिए साथ साथ लगा दो मूल्यांक, लास्ट में वो अनुपात लगा दे, वही 4:1। तो यही 4:1 एक ही है कि 50 है 2,00,000, 4:1 एक से अलग अलग कर देंगे बाद में लास्ट में। मतलब मूल्य कितना? मूल्यांक कितना है? 50,000। 20% है मतलब इसका कितना होता है? 50,000। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी ये खाता बंद कितना बच गया आपके? 2,00,000। तो आपको यहाँ पर टू बैलेंस बीडी कितना? 2,00,000। फिर वापस क्या लगाएंगे हम? मूल्यांक लगाए कितना? 20% कितना होता है? 40,000। फिर वापस बाई बैलेंस सीडी कितना? 1,60,000। वापस यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना? 1,60,000। बाई क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन कितना? 20% कितना होता है? 32,000। पीछे बच गया बाई बैलेंस सीडी कितना? 1,28,000। वापस यहाँ पर टू बैलेंस बीडी कितना? 1,28,000। अब यहाँ भेज रहे हैं क्योंकि 6, 7, 8, 6 तो खत्म हुआ, 6 पूरा हो गया, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। लेकिन देखो ये साथ ही है, एक साल और लगेगा साथ में, ये हो गया 2006, 7 भी खत्म होगा फिर क्योंकि ये 7 तारीख है। कितने है आपके? 1,07,000 है। यहाँ 1,07,000 कितना हो गया आपके? 2006, ये हो गया आपके बोलसी है। तो यहाँ आया 1,07,000 2,009 ही आएगा, यहाँ है 9 ही है। लेकिन खाते कब बंद करेंगे हम? खाते करेंगे 30/6/2010 को। तो यहाँ आज सर आएगा 2010 आएगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? देखो यहाँ इस तारीख को मशीन बेच रहे हैं, बेचते कितनी चीज आएगी? 3 चीजें। पहली डेप्रिसिएशन, दूसरी कितने में बेचा, तीसरा कितना घाटा हुआ। अब जब बेच रहे हैं तो इसके क्या टुकड़ों को, जैसे यहाँ अनुपात कितना है? 4:1, यहाँ भी अनुपात आ रहा है, पहले आ रहा था। तो यहाँ भी क्या आएगा आपके? 4:1 टुकड़े करेंगे 1,28,000 इंटू 4/5 और 1,28,000 इंटू कितना? 1/5। ये तो आ जाएगा 1,02,000, 1,02,400 और ये हो जाएगा 25,600। दो टुकड़े कर देंगे, अब नहीं तो लगातार करने पड़ते हैं, हमने लास्ट में कर लिए। अब ये मशीन बेच रहे हैं और ये मशीन रख रहे हैं, ये मशीन बेच रहे हैं। तो देखो पहले तो बताओ इस पर क्या मूल्यांक कहां से कहां तक? 1 साल से 30 जून पूरा एक साल का मूल्यांक लगेगा इस पर। बताओ इसका कितना फर्क लगाना है? 20 में कितना होता है? 5,120 रुपए। फिर आपने कितने बेची मशीन को? 9,400 में। ये वाला मूल्य और ये तीनों का मूल्य एक ही होना चाहिए। अब इस मूल्य में से दोनों घटा दो, ये है आपके 25,600 का कितना परसेंट है? ये 20%। ये मूल्य आपके दिए हुए साल के अंदर 9,400 में बेचा। और तीसरा है लाभ हानि, इसमें से ये दोनों घटा देंगे तो लाभ हानि कितना हो जाएगा? 11,080। पीछे बैलेंस वो क्या आ जाएगा आपके? वो हो जाएगा आपके लॉस, क्योंकि इस मशीन को हमने तीनों यानी कि कम में बेचा है, क्योंकि
साठ पच्चीस छह सौ में जाता है, पांच सौ बीस पीछे बचता है 20,480 रुपए। 20,480 की मशीन को हमने भेज दिया 9,400 में, पीछे लॉस कितना हुआ हमें 11,000, इसका क्या हो गया नुकसान हो गया। फिर आएगा यहाँ पर 22। अब देखो इसका हिसाब हो गया, अब इसका हिसाब हो, इसका हिसाब वही क्या दो चीज लगानी है यहाँ, डेप्रिसिएशन और बैलेंस सीडी भी। मूल्य कितना 1,240 का 20% कितना होता है 20,480 और पीछे बैलेंस कितना बच गया आपके 81,920, ये बच गया आपके बैलेंस। ये पूरा इसका हिसाब यहाँ पर लिखना, इसका हिसाब यहाँ पर बैलेंस सीडी क्यों अभी इस मशीन को और चलाएंगे, और यहाँ पर केस इसलिए कि मशीन हमने बेच दी। अब यहाँ पर 2,00,000 के अंदर दो ट्रक खरीदे तो क्या आएगा आपके 2 बैंक, और यहाँ क्या जाएगा आपके 4,00,000 रुपए। 2,00,000 प्लस 2,00,000 कितना हो गया आपके 4,00,000। या आप मशीन बेचनी कब बेचेंगे, 1 जनवरी है और या 1-2 अगस्त को बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं 4 साल 3-4 साल बाद बेच रहे हैं, 3 साल बेच रहे हैं, 7 महीने बेचेंगे, 8 महीने 9 महीने कितने में बेचेंगे 2 अगस्त में बेचेंगे। यहाँ लगाएंगे क्या मूल्यह्रास, कितना परसेंट मूल्यह्रास है 20% कितना होता है 4,80,000 पीछे बाई बैलेंस सीडी कितना 3,20,000 वापस इधर 2 बैलेंस पीडी कितना हो गया 3,20,000 फिर यहाँ लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन कितना 64,000 फिर पीछे भर गया बाई बैलेंस सीडी कितना 2,56,000 फिर यहाँ पर 2 बैलेंस बीडी कितना 2,56,000 फिर वापस क्या लगाएंगे बाई डेफिशन कितना डबल कर दो 51,200 पीछे बचा बाई बैलेंस सीडी पीछे कितना बचा 2,08,000 2,04,800 फिर वापस अब आ गया 1,1,2007 2007 8 9 ये कितना आया 10 वापस क्या लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी कितना 2,04,800 या बराबर है 1:1 बराबर मार दो इसमें 2 का भाग दो बराबर मार दो अलग अलग कर दो कितना हो जाएगा 1,2,400 प्लस 1,2,400 अलग अलग बांट दिए। अब एक मशीन को बेच रहे हैं और एक मशीन को रख रहे हैं पीछे, एक को बेचो या आएगा बाई तीन चीजें आएगी इसमें, एक तो आपके मूल्यह्रास, एक आपके कितने ने बेचा और एक आपके आपके लॉस कितना हुआ। अब बेच कब रहे हैं एक एक को ही बेच रहे हैं, एक एक से स्टार्ट किया एक एक से बेच दिया तो मूल्यह्रास लगेगा नहीं क्योंकि टाइम तो हमारे पास है नहीं, समय नहीं है समय हमारे पास, क्योंकि हमने 1 जनवरी को ही है बैलेंस और 1 जनवरी को ही बेच रहे हैं, बीच में टाइम का गैप है 1 साल से 36 महीने यहाँ 6 महीने का गैप था, यहाँ कोई गैप नहीं है इसलिए आपके कोई मूल्यह्रास नहीं लगेगा। अब मशीन कितने की 1,2,400 की हमने कितने में बेच दी 60,000 में बेच दी, इसका बैलेंस इन तीनों के बराबर होना चाहिए तो पीछे कितना बच गया आपके 1,2,400 में गए 60 पीछे कितने बचे 42,400 हो गए 1,2,400 ये भी 1,2,400 फिर पीछे क्या आएगा आपके 22। अब इसका हिसाब दो, एक तो डेप्रिसिएशन का और एक बाई बैलेंस सीडी का, इस पर लगाएंगे 20% वो जो अपना अभी लगा था ये दोनों दे रखे हैं यहाँ पर कितने है आपके 20,480 और 81,920 जो यहाँ था वो यहाँ सेम क्वेश्चन थोड़ा बहुत फर्क है, यहाँ पर आपके टाइम चेंज था मूल्य लगा वहाँ टाइम है नहीं इसलिए लग गया।